हेलो फ्रेंड्स, जॉब में आजकल लोगों के लिए इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि कई बार इसे हैंडल कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वहाँ काम कम भी हो तो भी रोज रोज एक जैसा काम करना काफी बोरिंग हो जाता है। ऐसे में कई बार मन करता है कि पैसे के लिए काम ना करना पड़े या फिर आराम से अपने मन मुताबिक जिंदगी बिताए जहाँ किसी की टोकाटोकी ना हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप फायर मॉडल अपनाने के बारे में सोच सकते हैं। फायर मॉडल आपके अर्ली रिटायरमेंट में मददगार होता है। फायर मॉडल की शुरुआत 1992 में विकी रॉबिन और जो डोमिंग्वेज की किताब योर मनी योर लाइफ से हुई थी। ये एक फाइनेंशियल मॉड्यूल है जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए एक प्लानिंग बताता है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए जल्दी से जल्दी सेविंग और इन्वेस्ट करना। ये मॉडल नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ बिजनेस या अन्य तरीकों से कमाने वाले भी अपना सकते हैं। इस मॉडल में ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने पर जोर दिया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि ये मॉडल कैसे काम करता है और कैसे इसे अपना कर आप कमाई की टेंशन से निजात पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले काम की बात, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस फॉर्मूले से सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपना फायर नंबर तय करना होगा, मतलब आप किस एज में अपनी नौकरी से खुद को फायर करना चाहते हैं। इसे आप अपने मौजूदा खर्च, इनकम और सेविंग के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 60 में रिटायर होना है या उससे पहले अपने आप को फायर कर लेना है। विकी रॉबिन और जो डोमिंग्वेज की बुक योर मनी और योर लाइफ में बताया गया है कि अगर आपको इस मॉड्यूल में सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपने मौजूदा खर्च घटाने होंगे। योर मनी योर लाइफ के मुताबिक आप जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके अपने मौजूदा खर्च घटा ले, जैसे बड़े घर के बदले छोटा घर, महंगे ट्रांसपोर्ट के बदले सस्ता ट्रांसपोर्ट और बाकी के दूसरे रोजमर्रा के खर्चे। दोस्तों इसके बाद अगर आपको अपने फायर नंबर को जल्दी अचीव करना है तो आपको इनकम बढ़ाने पर फोकस करना होगा। इसके लिए आपको ज्यादा सैलरी वाली नौकरी पर फोकस करना होगा। नौकरी के अलावा साइड इनकम पर ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको डिविडेंड देने वाले शेयरों पर फोकस करना होगा। दरअसल बाजार में कई कंपनियां हैं जो हाई डिविडेंड पे करती हैं। अगर आप हाई डिविडेंड वाले 10 शेयर भी पकड़ लेते हैं तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट टाइम टाइम पर मिलता रहेगा और आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा। आप अपने आप को नौकरी के बंधन से जल्दी फायर होना चाहते हैं तो आपको सेविंग और बढ़ानी होगी। फायर मॉडल क्योंकि सेविंग और इन्वेस्ट का एक आक्रामक तरीका है, इसमें आदमी कई सालों तक काम करता है और अपनी सालाना आय का 70-75% तक बचाता है और बाकी का 25-30% रकम से अपने खर्च चलाता है। जब उसकी सेविंग आपके सालाना खर्च के लगभग 30 गुना या उससे भी ज्यादा हो जाए तो अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। फायर नंबर तय करने के बाद आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आपके पास अब नौकरी के कितने साल बचे हैं और उतने सालों में आपको अपने सालाना खर्च का लगभग 30 गुना रकम को जोड़ने के लिए कितना पैसा बचाना होगा। इसके हिसाब से आप ये तय कर पाएंगे कि आपको अपनी कमाई में से कितना परसेंट पैसा बचाना है और कितनी रकम से अपने खर्च पूरे करने हैं। सेविंग की रकम को आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां आपका पैसा तेजी से बढ़े और रिटायरमेंट के बाद पैसों की कमी ना रहे।